हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक कर लिया हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 फिफ्थ पार्ट तक कर लिया था, जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट या सबसे ज्यादा जो लंबा था वो था थर्ड पार्ट, उसके बाद फिफ्थ। आज हम लोग सिक्स्थ की बात करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही रखे होंगे, सब्सक्राइब लाइक कमेंट ये जरूरी है, शेयर भी भाई, अपना कुनबा बड़ा करो, जरूरी है। देखिए सिक्स पार्ट हम इसे कह रहे हैं कि 1 plus sin a upon 1 minus sin a under root इज इक्वल टू, हमें प्रूफ क्या करना, sec a plus 10 a। सी LHS हमारे पास क्या है, 1 plus sin a upon 1 minus sin a अंडर रूट। अब इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं, 1 plus, नाइन्थ क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, डिनोमिनेटर में अगर माइनस होता है तो प्लस से, और अगर प्लस होता है तो माइनस से, हम रेशनलाइज करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 plus sin a whole square whole upon 1 square minus sin a sin square a। ये हो गया a square minus b square का फॉर्मूला लगा, दिस इज इक्वल टू 1 plus sin a whole square upon 1 minus sin square a इज कॉल्ड cos square a अंडर रूट। नाउ अंडर रूट अगर हम बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा 1 plus sin a upon cos a। अब हम इसको दो बार लिखें, 1 upon cos a plus sin a upon cos a, बिकॉज cos a इज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ। 1 upon cos a इज इक्वल टू sec a प्लस साइन अपॉन कॉस 10 ए, दैट इज योर RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट, क्वेश्चन इज हियर, sin theta minus 2 sin cube theta whole upon 2 cos cube theta minus cos theta। दिस इज इक्वल टू 10 theta, वी नीड टू प्रूव 10 theta। सी इसे भी हम लोग बड़े इत्मीनान से कर देंगे, LHS में देखो बेटा, अगर हम साइन थीटा कॉमन ले ले तो व्हाट वी गेट, 1 minus 2 sin square theta whole upon, अगर cos थीटा कॉमन लेते हैं तो 2 cos square theta minus 1, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 minus 2 sin square theta, ऑल्सो शुड बी रिटन एज 1 minus cos square theta whole upon, डिनोमिनेटर को बगैर चेंज एज इट इज रखते हैं, 2 cos square theta minus 1, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब यहां पर क्या हो गया, 1 minus 2 minus minus plus 2 cos square theta upon 2 cos square theta minus 1, this is equal to sin theta upon cos theta becomes 10 theta into, अब ये क्या लिखा जाएगा, 2 cos square theta minus 1, क्योंकि 1 minus 2 that means minus 1 upon 2 cos square theta minus 1, it should be cancel, this is equal to 10 theta into 1 or it becomes 10 theta is your RHS proved। ठीक है, इसको
इजिली हम लोग करते चले गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जरा हम इसको साफ कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए कॉसेक ए होल स्क्वायर, तो पहले इसको साफ कर लेते हैं। इसको भी साफ कर देते हैं, दो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर, दिस इज एट्थ पार्ट। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन, दिस इज इक्वल टू राइट साइड में हमें दे रखा है सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आर एच एस लेते हैं, एल एच एस हमें साइन ए है, इट शुड बी रिटन एज वन अपॉन साइन ए प्लस, नो इट इज कॉसेक ए हो गया, तो इसलिए पहले हमें साइन ए लेना पड़ेगा। इसको हम स्क्वायर ही कर देते हैं, होल स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉसेक ए प्लस, अब इसका भी होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी के फॉर्म में ले आ रहे हैं, इट बिकम्स कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए सेक ए, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस, यहां से साइन स्क्वायर है यहां से कॉस स्क्वायर को एक साथ ले आते हैं क्योंकि वो हमारा फॉर्मूला बनता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए ये कॉसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए इन टू, कॉसेक को लिख देंगे वन अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम उठा के ले गए, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इन टू सेक ए को लिख देंगे वन अपॉन कॉस ए। अब देखिए ये कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बिकम्स वन प्लस वन, जितने भी नंबर हैं वो लिख लेते हैं, इसके बदले हमने वन लिखा, ये वन लिया, अब यहां से कुछ नहीं बचा तो टू बचेगा प्लस वन, ये ले आ गया यहां से कुछ नहीं बचा तो प्लस टू, और प्लस में कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। नाउ टू टू फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही हमारा आर एच एस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ हमसे कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए sec a माइनस cos a, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टेन ए प्लस cot a, टेन ए प्लस cot a, ये हमें प्रूव करना वन अपॉन टेन ए प्लस cot a। देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से कर देंगे, कॉसेक ए को हम बदल देते हैं, आइए इस साइड प्रूव करते हैं, एल एच एस हमारे पास कॉसेक ए है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या वन अपॉन साइन ए माइनस साइन ए
इनटू sec a को लिखेंगे 1 अपॉन cos a माइनस cos a। अब हमने sec का और इसको cosec को तोड़ दिया तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है हमारा कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a इंटू साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। यहां से साइन a इसका स्क्वायर, यहां से कॉस a इसका स्क्वायर, क्या मिल गया हमारे पास, कॉस a इंटू साइन a। अब RHS में चलते हैं, RHS हमारे पास है 1 अपॉन टेन a प्लस कॉट a। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन a को हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a प्लस कॉस a अपॉन साइन a। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन a कॉस a। अब आप जानते हो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस a साइन a। दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा कॉस a इंटू साइन a। ठीक है, दिस इज है लिखेंगे आप, हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देखिए दोनों साइड आपका प्रूव हो गया, क्योंकि इधर भी हमें कॉस ए साइन ए मिला, इधर भी कॉस ए साइन ए मिला, तो ये जब मिल जाए दोनों एक समान एल एच एस आर एच एस तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, लास्ट इसका एक्सरसाइज का ये लास्ट है, टेंथ। टेंथ में हमें दो पार्ट को टेन में बदलना है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि टेंथ क्वेश्चन में हमें दो पार्ट है। चलिए इसको साफ करते हैं, हम लोग टेंथ क्वेश्चन पे हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फाइंड आउट करना है टेन स्क्वायर ए। यानी दोनों को बारी बारी से अगर हम टेन स्क्वायर ए के ला दें तो हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर a है तो इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a होल अपॉन कॉस स्क्वायर a होल अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये क्या हो गया बेटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, 1 1 शुड बी कैंसल, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया,
तो दिस इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, ये प्रूव हो गया। फिर हमें दे रखा है 1 माइनस 10 ए, अगेन 1 माइनस 10 है, 10 को हम बदल सकते हैं किस में बेटा जी, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। देखिए यहां साइन माइनस कॉस है, यहां कॉस माइनस साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए और इन टू डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाए तो साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इसका होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा इससे कैंसल हो गया, हमारे पास क्या बचा, दिस इज इक्वल टू माइनस वन इन टू साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 10 ए होल स्क्वायर और माइनस है तो ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर ए, यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपका 8.4 प्रूफ खत्म होते साथ ही 8th चैप्टर आपका खत्म, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्लियर हुआ। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूरी है, शेयर भी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर को लेकर नए चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए